वीडियो देखने से पहले दक्षिणा के तौर पर चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए लेटेस्ट क्रिकेट और फुटबॉल न्यूज के लिए, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपका दक्षिणा वेस्ट ना हो। तो मैं हमीर और आपका मार्टिन क्रिक फॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों मैं आ गया एबी टॉक के एक नए एपिसोड लेकर। आज हम बात करेंगे ISL 50 कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में, तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। तो दोस्तों बेसिकली इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट नहीं आया है, लेकिन आप लोगों ने मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीज पूछे हो, मैं आपको जवाब दे देता हूं और साथ साथ कुछ अपडेट भी यहां पर मैं दे दूंगा आपको। तो दोस्तों पहला सवाल आपने पूछा है कि ISL फिर कब से स्टार्ट होगा। तो दोस्तों अभी इंडिया का इंटरनेशनल ब्रेक चल रहा है, क्योंकि दोस्तों AFC एशियन कप 2019 इंडिया खेलेगा। 14 जनवरी तक ग्रुप स्टेज मैच चलेगा इंडिया का, और उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि फिर से कब ISL स्टार्ट होगा। और उससे पहले अगर अपडेट आता है ISL स्टार्ट होने के बारे में तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जनवरी के लास्ट वीक में फिर से शुरू हो जाएगा या फरवरी के फर्स्ट वीक में फिर से ISL स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक कन्फर्म शेड्यूल नहीं आया है, तो जब आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो दोस्तों चलिए अब मैं आपको कुछ इंजरी अपडेट दे देता हूं ISL 5 से जुड़े। तो दोस्तों पहले बेंगलुरु FC का शिंजो गैल्सन, तो दोस्तों ये इंजर्ड हो गया है और इंटरनेशनल ब्रेक के बाद इनका लौटना 90% कंफर्म है। यानी कि इंटरनेशनल ब्रेक जब ख़त्म होगा लास्ट वीक जनवरी में, तो मुझे लग रहा है कि तब शिंजो गैल्सन आ जाएगा। उसके बाद निशु कुमार की बात करें तो इनका कन्फर्म खबर मुझे पता नहीं लगा है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आफ्टर ब्रेक के बाद ये भी लौट आएगा, साथ साथ मेकू भी ब्रेक के बाद लौट आएगा। उसके बाद अगर नॉर्थ यूनाइटेड FC की भी की इंजरी की बात करें तो उनका इंजरी अभी पूरी तरह से फिट नहीं है, लेकिन वह धीरे धीरे फिट हो रहा है और अपना ट्रेनिंग भी शुरू कर दिया है, तो नॉर्थ यूनाइटेड FC के लिए एक बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ है। और इसके बाद अगर ओखरा की बात करें तो दोस्तों ओखरा भी पूरी तरह से अभी फिट नहीं है, लेकिन दोस्तों बहुत जल्दी सुस्त हो रहा है। अभी तक तो नॉर्थ यूनाइटेड FC उनके बारे में कुछ डिप्लेसमेंट घोषणा नहीं किया है, लेकिन मैं अगर कुछ भी पता लगा पाता हूं तो मैं आपको ज़रूर कन्फर्म करके बताऊँगा। उसके बाद दोस्तों ATA का कालू ऊँचे, तो दोस्तों कालू ऊँचे भी बहुत जल्दी रिकवरी कर रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि वो फरवरी में लौटेगा, क्योंकि दोस्तों उनका इंजरी बहुत ही सीरियस था। तो फरवरी में वो लौटेगा और तब क्या होगा मैं वही सोच रहा हूँ कि किसको टीम से बाहर करेगा और किसको अंदर करेगा। तो चलिए हमें देखने को मिलेगा जब कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आएगा कालू ऊँचे से जुड़े, तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। उसके बाद आल फरो का भी सेम हाल, तो दोस्तों उनका भी लौटना लगभग ब्रेक के बाद ही होगा, और ब्रेक के बाद यानी कि मिड फरवरी हम उम्मीद कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों केरला ब्लास्टर का केजितो केजरिन, तो दोस्तों इनका भी इंजरी जो मसल इंजरी हो गया था उनको, ये भी बहुत ही अभी डेंजरस मूड में है, तो इनका लौटना थोड़ा लेट हो सकता है। उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है, इनके बारे में भी कुछ कंफर्म डेट नहीं आया है, लेकिन ये भी फरवरी में आ सकता है। उसके बाद दोस्तों जमशेदपुर FC के सिडोंचा, तो दोस्तों ये ब्रेक के बाद ही लौट जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये बहुत जल्दी रिकवरी कर रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि सिडोंचा बहुत जल्दी कमबैक कर जाएगा ब्रेक के बाद जमशेदपुर FC की टीम से। तो दोस्तों ये तो था इंजर्ड खिलाड़ी का क्विक इंजरी अपडेट, और कोई मिस अगर हो गया है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, उसके बारे में भी मैं रिसर्च करके आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकल के इस वीडियो को देखने के लिए। अगर कोई वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चला। ISL 5 से जुड़े मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए अलविदा।